नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन झागड़ और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। दोस्तों, अगर आप एक घर बनवा रहे हैं, घर बनवाने की सोच रहे हैं, तो वास्तु के अकॉर्डिंग घर बनवाना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि वास्तु के अकॉर्डिंग घर बनवाने से आपको बहुत चीज़ें आपके जीवन में होती है, जैसे कि आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य, धन लक्ष्मी का वास वगैरह। तो अगर आप एक वास्तु के अकॉर्डिंग घर बनवाते हैं तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो घर बनवाते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, मतलब कि किचन आपको कहाँ पर बनवानी है, आपका पूजा घर किस डायरेक्शन में होना चाहिए, आपका बेडरूम कहाँ होना चाहिए, उन सभी की डिटेल आज हम बात करने वाले हैं वास्तु के अकॉर्डिंग घर बनवाने के लिए। तो आपको सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको पता ही होगा कि दिशाएँ किस तरफ होती हैं, आपको प्लॉट का अपना दिशा पहले फाइंड आउट कर लेना है। लेकिन वास्तु को बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वास्तु क्यों लोग बनवाते हैं, क्या इसका कारण है, क्या इसके पीछे मान्यताएं हैं। तो मैं एक कहानी सुनाना चाहूँगा। ये एक दोस्तों अपने वेदों में कहानी मिलती है कि भगवान शिव और एक राक्षस था अंधकासुर, दोस्तों इनकी बहुत भयंकर लड़ाई चल रही थी। और इस लड़ाई में क्या हुआ, एक पसीने की बूंद टपकी जो आकर पृथ्वी पर गिरी और इस बूंद ने एक भयानक राक्षस का जन्म ले लिया। और उस जब भयानक बहुत ही भारी भरकम राक्षस, बहुत ही बड़ा राक्षस पृथ्वी पर आया तो उसने कोहराम मचाना शुरू कर दिया। तो इससे जितने भी जनमानस थे, जितने भी देवता थे, सभी लोगों में बहुत ही कोहराम मचा, बहुत ही तराई तराई माम मचा। तो इसके बाद सभी देवतागण अपने ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने उनसे एक सल्यूशन मांगा कि भगवान इस राक्षस से हमारी रक्षा कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि आप सभी जितने भी देवतागण हैं सभी लोग जाकर इस राक्षस को जमीन में ही, पृथ्वी में ही जाकर इसको खोदकर गाड़ दें। अब जब उसने ये आदेश सुना उस राक्षस ने, तो वो बहुत ही डरा। वो जानता था कि परम पिता ब्रह्मा पूरे अपने जगत के पालनहार हैं, और अगर उन्होंने कहा है तो सच होगा। तो बहुत ही घबराया और घबराने के बाद उसने विनती की ब्रह्मा जी से कि भगवान हमें आप इतना कष्ट ना दे। तो ब्रह्मा जी ने उसकी बात सुनी और इसके बाद उससे बोला कि आप इतना त्राहिमाम मचा रहे हैं तो आपको दंड तो जरूर भुगतना पड़ेगा, लेकिन आप जब भी पृथ्वी पर कोई नया मकान बनवाएगा, आप क्योंकि ज़मीन के अंदर गाड़े जाएंगे, तो आप जब भी आप कोई नया मकान बनवाएगा तो आपको खोदेगा, जब वो न्यू खोदेगा वगैरह, तो आपका कहीं ना कहीं वहाँ पर वास होगा। तो आपकी सबसे पहले वो पूजा करेगा और आपके नाम से पूजा करेगा, और आपको अगर पूजा करेगा, आपके अकॉर्डिंग घर बनाएगा, तो उसके घर में सुख शांति की बहुत ही बड़ी हमेशा आती रहेगी। और इससे जो राक्षस था उसका नाम ही दोस्तों वास्तु था। इस राक्षस की जो मैं कहानी सुना रहा, इसका नाम वास्तु था जो पसीने के बूंद से उत्पन्न हुआ। लेकिन जब वो ज़मीन पर गिरा था दोस्तों, तो उसका जो स्ट्रक्चर था, गिरने पर उसके पूरब दिशा में उसके पैर थे या सर था, ये आप तस्वीर में देख सकते हैं। यहाँ पर सारी चारों दिशाएं लिखी हैं और बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं कि वो जो वास्तु नाम का राक्षस था वो कैसे गिरा था अगर ज़मीन में। तो उसी के गिरने की दिशाओं के अकॉर्डिंग हम वास्तु शास्त्र का प्लान करते हैं, वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग घर बनाते हैं। तो आपको इस पौराणिक जो कथा है इससे आइडिया लग गया होगा कि वास्तु शब्द कहाँ से आया और वास्तु शब्द के अकॉर्डिंग लोग घर क्यों बनवाते हैं। अब हम बात करते हैं, जब आपने ये कहानी सुन ली, अब हम बात करते हैं कि किस दिशा में आपको वास्तु के अकॉर्डिंग घर बनवाना चाहिए वगैरह। तो दोस्तों, वास्तु के अकॉर्डिंग किस जगह पर मकान क्या चीजें बनानी चाहिए वो इस तस्वीर में आपको प्रॉपर दिख रहा होगा। इस तस्वीर में सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं दिशाओं को, तो कहां पर कौन सी दिशा यहां दर्शाई गई है। तो सबसे पहले पूर्व की बात करें तो ये दोस्तों पूर्व आपको दिखाई दे रहा होगा, पूर्व दिशा, ईस्ट बोलते हैं, इधर पश्चिम, उधर इधर दक्षिण और इधर उत्तर। तो इस अकॉर्डिंग फिर से दोस्तों इसको चार एंगल्स में, कोणों में बांटा गया है। पूर्व और दक्षिण के बीच को जो कोण है वो आग्नेय कोण कहलाता है दोस्तों, और दक्षिण और जो पश्चिम के बीच का कोण है वो नेतृत्व कोण कहलाता है, और इसका पश्चिम और उत्तर के बीच का जो कोण है उसे वायव कोण बोला जाता है, और जो पूर्व और उत्तर बचा उसको ईशान कोण बोला जाता है। तो ये चार कॉर्नर जो आपको दिख रहे हैं, एक चारों कोणों को डिफाइन करते हैं। फिर इनके बीच भी देखिए, आप तस्वीर में देख पा रहे हो, इनके बीच भी पूर्व और आग्नेय के बीच भी पूर्व आग्नेय कोण बोला जाता है, इधर दक्षिण और आग्नेय के बीच को दक्षिण आग्नेय कोण बोला जाता है। तो ऐसे चारों दिशाओं को डिफाइन किया गया है दोस्तों वास्तु में। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं, आपका प्लॉट सपोज दैट 30 बाई 30 का है, तो जो बीचों बीच जगह होगी
रिक्त स्थान जो होगा उसे ब्रह्म स्थान बोला जाता है। अब जो जैसा कि बीचों बीच देख रहे हैं दोस्तों, ब्लू कलर से मैंने डिफाइन किया है, इसको रिक्त स्थान या ब्रह्म स्थान बोला जाता है। इसके जस्ट सामने पूर्व की तरफ आप मुख्य द्वार रख सकते हैं, स्नान गृह बना सकते हैं, कुआं या जल प्रवाह, बारामदा, तहखाना, बगीचा, नीची भूमि, नीचा मकान, मतलब पूर्व दिशा में आप ये चीजें बना सकते हैं। जैसे कि मुख्य द्वार पूर्व दिशा में रखना बहुत ही उत्तम होता है। स्नान गृह जो आपका बाथरूम होगा वो भी पूर्व दिशा में बनवा सकते हैं। जल प्रवाह कुआं, अब हालांकि कुआं नहीं होते तो आप जो मोटर या समर लगवा रहे हैं वो आप दोस्तों पूर्व दिशा में लगवाइएगा। बारंदा पूर्व दिशा में, तहखाना कोई बनाना चाहते हैं, बगीचा बनाना चाहते हैं तो ये पूर्व दिशा में आप बनवा सकते हैं। अब हम पहले पश्चिम दिशा की बात कर लेते हैं। सबसे पीछे अगर आपका सपोज दैट ईस्ट फेसिंग मकान है, ईस्ट फेसिंग प्लॉट है, तो पूर्व दिशा में आप ये चीजें बना सकते हैं। जस्ट अपोजिट मतलब पश्चिम दिशा में जैसे भोजन गृह जो आपका किचन बनेगा दोस्तों पश्चिम दिशा में, सीढ़ियां आपका हो गया, बगीचा भी आप बना सकते हैं, कुआं भी बना सकते हैं। मतलब कि एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अगर आप मोटर अपना केवल पूर्व दिशा में लगा सकते हैं तो पश्चिम में नहीं लगा सकते। दोनों उचित स्थान होते हैं, दोनों में से कहीं पर भी जहां पर आपका सुटेबल लगे वहां लगा सकते हैं। तो पूर्व और पश्चिम की बात होगी। अब हम लोग दक्षिण की बात कर लेते हैं। तो दक्षिण दिशा में दोस्तों शयन गृह, सोने वाली चीज बना सकते, जैसे आपका बेडरूम्स वगैरह है तो शयन गृह बना सकते हैं। वहीं उत्तर की दिशा में आप मुख्य द्वार रख सकते हैं, बारंदा बना सकते हैं, सीढ़ियां, कुआं, जलाशय, जल प्रवाह, धन संग्रह। धन संग्रह दोस्तों तिजोरी वगैरह जो लोग बनाते हैं जो उत्तर दिशा में बहुत ही उचित होता है। और देवग्रह आपका जो पूजा घर होता है वो भी उत्तर दिशा में आप बना सकते हैं। आप देवग्रह दोस्तों ऐसे याद रख सकते हैं, अगर आप याद रखना उत्तर दिशा में दोस्तों अपना हिमालय पर्वत है जो कि भगवान शिव का वास है, तो कुल मिलाकर भगवान शिव उत्तर दिशा में रहते हैं। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि उत्तर दिशा में हमेशा आपको जो भी है आपका पूजा घर बनाना चाहिए। इसके बाद भंडार भी, अगर आप कोई गोडाउन टाइप का बनाना चाहते हैं तो आप उत्तर दिशा में जल स्थान, तहखाना वगैरह, तो ये बहुत सारी चीजें आप उत्तर दिशा में बना सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पूर्व और दक्षिण का जो कोण है आग्नेय कोण, इसमें क्या क्या बना सकते हैं। तो देखिए आग्नेय कोण पर भी आप दोस्तों रसोई बना सकते हैं, यहाँ पर ऊंचा मकान रखना चाहिए। और दोस्तों इन और जो आपको दो खाने दिख रहे हैं, मंथनकार मतलब कि मंथनकार मतलब जैसे ऑफिस वगैरह आपको बनाना है जहां पर आप मीटिंग वगैरह करते हैं तो वहां पर आप आग्नेय कोण पर बनाइएगा। घृत स्थान आप आग्नेय कोण पर बना सकते हैं। वही बात में दक्षिण और पश्चिम में आप क्या बना सकते हैं, दक्षिण पश्चिम का जो चतुर्थ कोण होता है इसमें आप दोस्तों शौचालय अपना बना सकते हैं, गृह सामग्री, वस्त्र, सूती कृघा, शौचालय या विद्याभ्यास, ये सब चीजें आप नेतृत्व कोण पर बना सकते हैं। वही बात करें उत्तर और पश्चिम के बीच जो वायव्य कोण है यहाँ पर आप क्या क्या बना सकते हैं, रति ग्रह, अन्न भंडार, पशु ग्रह, शौचालय, जल प्रवाह, ऊंची भूमि या रुदन ग्रह भी यहाँ पर आप बना सकते हैं। मैं बात करें पूर्व और उत्तर की जो ईशान कोण है यहाँ पर दोस्तों देव ग्रह, यहाँ भी पूजा ग्रह घर बनाया जा सकता है, कुएं, जलाशय, जल प्रवाह, जल स्थान, तहखाना, बगीचा और औषध संग्रह। अगर आप औषध संग्रह बनाना चाहते हैं तो दोस्तों आप ईशान कोण, उत्तर ईशान कोण पर बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर वास्तु का अकॉर्डिंग ये पूरा इमेज आपको पूरे घर के एक एक पॉइंट्स को डिस्कस कर देती है कि कहां पर क्या उचित रहेगा, कहां पर क्या चीज बनवानी चाहिए। तो आप इमेज को आप सेव करके रख लें या इस वीडियो को सेव करके रख लें, आसानी से सारी चीज। तो दोस्तों आपने देखा कि कितने आसानी से आप समझ गए होंगे जो भी अपने हिंदू धर्म में मान्यताएं हैं वास्तु के अकॉर्डिंग घर बनवाने के लिए, और भी लोग जो हिंदू धर्म से नहीं बिलोंग करते वो भी वास्तु के अकॉर्डिंग घर बनवाते हैं। तो वास्तु के अकॉर्डिंग घर एक, अगर हम साइंटिफिक रीजन की बात करें तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि अगर घर का जितने भी कोण है प्रॉपर वेंटिलेशन होगा, प्रॉपर जगह किचन बनी होगी, प्रॉपर जगह लेट बाथ बना होगा, तो साइंटिफिक तरीके से भी प्रूफ होता है कि वास्तु के अकॉर्डिंग घर बनवाना ज़रूरी है। अगर आप मान्यताएँ नहीं रखते हैं वास्तु के अकॉर्डिंग तो आप एक साइंस को तो जरूर मानते होंगे, साइंस भी बोलती है कि आप इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। तो आप आसानी से समझ गए होंगे वास्तु के अकॉर्डिंग घर बनाना कितना इंपॉर्टेंट है, मैंने ए टू जेड जानकारी आपको समझा दी। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। मैं आपसे अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि मैं दोस्तों वास्तु के अकॉर्डिंग घर क्रिएट करता हूं, तो अगर आप वास्तु के अकॉर्डिंग घर बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जो कि हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है, वहां पर दोस्तों कॉल नहीं लगेगा, पहले आप हमसे चैट करें, मैं आपको
बाद में कॉल करके आपसे सारी डिटेल लेकर आपका घर बनाऊंगा, बट वो हमारी एक पेड सर्विस होगी, इसका विशेष ध्यान रखें। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दें, कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।